नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोइजू और उनके हाई कमिश्नर, यानी कि मालदीव के हाई कमिश्नर जो कि पाकिस्तान में हैं, उनको लेकर। दरअसल जानकारी सामने आ रही है कि अब से कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान में मालदीव के हाई कमिश्नर हैं, राजदूत हैं मोहम्मद तोहा, उन्होंने तालिबान के राजदूत से, डिप्लोमेट से मुलाकात की थी। अब ये मुलाकात तो हुई, लेकिन उस मुलाकात के बाद मालदीव में बैठी मोइजू सरकार ने नाराजगी व्यक्त कर दी अपने ही राजदूत के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकात हुई है, इस बात का पता हमें नहीं था ये मुलाकात क्यों हुई है। आपको बता दें, ये मुलाकात पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई है। अब ये जो मुलाकात होती है, इस पर मालदीव को क्यों इस तरह से मिर्ची लगी है कि उन्होंने कार्रवाई करने की बात अब कह दी है अपने ही राजदूत पर, और उन्हें मालदीव में भी वापस बुला लिया है। पूरी चर्चा हम करेंगे और ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर मालदीव पाकिस्तान के साथ कोई खिचड़ी पका रहा है क्या, इसलिए उसको बुरा लगा है कि वो तालिबान के राजदूत के साथ क्यों बिना परमिशन के मुलाकात की है। निपुण जी, यहीं से शुरू करते हैं, क्या हुआ है? हाँ, एक तो जयदन जी मैं बताऊंगा कि एक तो हाई कमिश्नर जो है और राजदूत, इन दोनों में एक अंतर होता है। और वैसे तो हम टेक्निकली देखें तो अंतर ये है कि जो कॉमनवेल्थ के मेंबर कंट्री हैं, वो आपस में अपने आप अपने एम्बेसेडर को बोलते हैं हाई कमिश्नर। तो इसलिए हाई कमिश्नर वर्ड जो आप देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बाकी ऐसा अमेरिका की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका में हम एम्बेसेडर वर्ड यूज करते हैं। अब पाकिस्तान हो, मालदीव हो, भारत हो, हम सब क्या है कि कॉमनवेल्थ के मेंबर, इसलिए हम हाई कमिश्नर वर्ड को यूज करते हैं। अब आपका जो प्रश्न था, हम उसके उत्तर में बात करें। जो मोहम्मद तोहा वहां पर क्या है कि आपका जो मालदीव के हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में तालिबान के या अफगानिस्तान के प्रेजेंट जो तालिबान वहां पर रजीम है, उसके जो एम्बेसेडर है, उनसे क्या किया, उन्होंने मुलाकात की, उनसे आपका डिस्कशन किया। प्रश्न ये है कि ये मुलाकात क्यों हुई, हालांकि ये एक औपचारिक मुलाकात माना जाता है कि इस प्रकार के जो मीटिंग्स होना है डिप्लोमेट्स के अंदर या हाई कमिश्नर के बीच में, नॉर्मल बात मानी जाती है। लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब आपने किसी देश के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को क्या किया है, आपने ख़त्म कर चुके हैं उनको, दोबारा से आपने रीबिल्डिंग नहीं किया, रीस्टार्ट नहीं किया है। अभी तक हम देखें तो तालिबान के साथ मात्र 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाया है, यानी कि 15 अगस्त 2021 के जब आपको वहाँ पर आए, कौन, तालिबान गवर्नमेंट आई 15 अगस्त 2021 को, तो 4 देश आज तालिबान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर चुके हैं। उसमें है आपका नाम पाकिस्तान, ईरान, रूस और आपका चाइना। इन 4 देशों के अलावा अभी भी किसी भी देश ने उनको क्या नहीं दिया है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं किया है। जब डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं किया है, तो इसका मीन ये है कि वहाँ पर हम तालिबान गवर्नमेंट को, सभी देश, दुनिया जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि तालिबान गवर्नमेंट जो है वही आपके अफगानिस्तान की एक ओरिजिनल या वहां की क्या है वो गवर्नमेंट है। भारत भी उस लिस्ट में शामिल है, मालदीव भी उस लिस्ट में शामिल है। तो अगर हम एक इंटरनेशनली बात करते हैं, इंटरनेशनल डायरेक्शन में बात करते हैं, तो जब पूरा वेस्ट या पूरा वर्ल्ड जो है जिस गवर्नमेंट के साथ बात नहीं कर रहा है और आपका ऑफिशियल डिप्लोमेट्स उनसे बात करता है, तो ये कहीं ना कहीं जो मालदीव का एक स्टैंड है उसके अगेंस्ट जाके आपको क्या दिखता है, कदम दिखता है। तो मुझे लगता है कि एक तो उन्होंने ऑफिशियली स्टैंड लिया है, तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मोहम्मद तोहा से ये गलती हुई, मिस्टेक हुई कि अपनी गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर उनके ऐसे मुलाकात करना। तो अगर हमारे भी अगर ऐसे कर दे तो शायद हमारे यहाँ से भी इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत ने भी अभी तक तालिबान को किसी तरह का कोई भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, यानी कि हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने कुछ मुलाकात इधर उधर जाकर मिलना शुरुआत जरूर की है। उसकी रीजन में भी इस पर चर्चा करूंगा। जैसे हम बात करें, हमारे जो डिप्टी एनएसए हैं विक्रम मिस्त्री, उन्होंने मुलाकात की थी किर्गिस्तान में,
तालिबान के जो डिप्लोमेट्स से मुलाकात भी की थी, बातचीत भी हुई थी। उससे पहले हम देखें तो हमारे विदेश मंत्री के जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं वो विजिट करने गए थे अफगानिस्तान, और तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की थी। हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि हम अभी एक तालिबान गवर्नमेंट को एक रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, मान्यता देने को तैयार नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं छोड़ना चाहते कि अफगानिस्तान में बिल्कुल भारत के क्या हों, आपके चिन्ह ना हो, पदचिन्ह ना हो। क्योंकि अगर हमने तालिबान गवर्नमेंट से बातचीत नहीं की तो इसका मतलब क्या होगा कि तालिबान गवर्नमेंट मजबूरी में ही सही है, पाकिस्तान चाइना की खेमे की ओर बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए डिप्लोमेटिक लिहाज से सही नहीं होगा। मैं याद करूंगा हमारे एक डिप्लोमेट, सबसे बड़ा डिप्लोमेट जिसको मानता हूँ पूरी दुनिया में, वो है चाणक्य, कौटिल्य। कौटिल्य कहा करते थे कि अगर कोई आपका शत्रु है तो शत्रु का पड़ोसी आपका नेचुरल फ्रेंड होता है, आपका स्वाभाविक मित्र होता है, ना कि स्वाभाविक शत्रु। तो पाकिस्तान का पड़ोसी आपका अफगानिस्तान, और नेचुरल आपका अलाइव होना चाहिए, आपका फ्रेंड होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं। तो एक तो ये आयाम हुआ जिसको हम एक इंटरनेशनल डायस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब जो मोइजू साहब की अगर हम बात करें, मालदीव की जो बात करें, देखिए मालदीव को अगर आप देखेंगे मेनली, मालदीव जो है अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा लेता है टूरिज्म से, और अगर वो टूरिज्म के ऊपर एक इमेज, एक डेंट लगता है कि आप रेडिकल्स को, कट्टरपंथियों को, उनसे आप मिलते जुलते हैं, आपकी उनसे व्यवस्थाएं हैं, उनसे आपके संपर्क हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सीधा इम्पैक्ट पड़ता है आपका किसका, टूरिज्म सेक्टर पर। आप देखिए बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनके उस प्रकार का धब्बा लगा तो वहाँ पर टूरिस्ट जाने क्या हो गए, कम हो गए। जैसा एक छोटा आप छोटी उदाहरण देखिए, आप कश्मीर का उदाहरण देखिए, कश्मीर में जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी तो जो आपका टूरिस्ट कश्मीर जाया करता था, नहीं तो एक पुरानी मूवीज को आप देखें, कश्मीर की गली ये वो, दुनिया भर का टूरिस्ट क्या था, भारत का विजिट करना चाहता था, कहाँ पर आपका, कश्मीर। लेकिन सब ने जाना बंद किया, वो शिफ्टिंग हुआ हिमाचल की ओर, उत्तराखंड की ओर। इससे कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा क्या हुआ, लॉस हुआ, जहां पर हम कहते हैं कि वो भारतीय एक जन्नत के रूप में कश्मीर है। लेकिन जैसे वहां 370 रिपील होता है, मिलिटेंसी कम होती है, वहां फिर से टूरिस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। यही स्थिति आपकी मालदीव की है। तो तालिबान गवर्नमेंट से अगर आप संपर्क करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी इमेज को क्या होता है, डेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, मालदीव से सीधा संपर्क तालिबान से बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, भारत की तो मजबूरियां होंगी कि तालिबान गवर्नमेंट को ना मानते हुए भी, क्योंकि हम तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करते हैं और तालिबान को हम एक रेडिकल रूप मानते भी हैं। हमने आप देखें तो अशरफ गिन्नी की गवर्नमेंट, हम बात करेंगे कि तालिबान से पहले जहाँ पे गवर्नमेंट थी हम उसके समर्थन में ज्यादा थे, हम उसके डेमोक्रेटिक समर्थन में ज्यादा थे, हम वहाँ पे रिलेशन हमारे बेटर थे। हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हमको अपने पड़ोसियों को देखना है, अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड्स को देखना है। पर मालदीव के साथ इस प्रकार का कोई भी मैंडेट नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक भी हो जाता है मालदीव के लिए, पाकिस्तान से मिलना क्या हो जाता है, एक आपका जरूरी हो जाता है, इसका रीजन है। क्योंकि पूरा का पूरा हम देखें तो इंडियन ओशन से जुड़े हुए सारे देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, ये सारे कंट्री इंडियन ओशन से जुड़े हैं। अब आपने एक इंटरेस्टिंग बात ये कही कि पाकिस्तान के साथ मिलकर खिचड़ी। देखिए दो बातें होती हैं, या तो ये मुलाकात अंदर खाने होनी थी, पब्लिकली आ गई, पब्लिक डिस्कोर्स में आ गई, और वो बहुत पब्लिकली हो गई, तो हो सकता है कि मोयू साहब ने या मालदीव की गवर्नमेंट ने स्टेप लिया हो कि अंदर खाने वो अपना एक इस्लामिक जो एक फंडामेंटलिस्ट का एक ग्रुप बनाने का प्रयास मोयू साहब कर रहे हैं। देखिए मोयू साहब के आने के बाद से आप देखें मालदीव की फॉरन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आए थे। चेंजेस क्या आए थे, उन्होंने क्या किया था कि जितने आपका सऊदी, यूएई, यानी कि इस्लामिक यूनिटी के साथ अपने आप को मर्ज करने का प्रयास किया था, तो जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं, आप देखिए इतना तक उन्होंने कहा कि अगर हमको इलाज करवाना है अपने लोगों का, कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम भारत नहीं जाएंगे, हम सऊदी जाएंगे इलाज कराने के लिए। इस तरह का उनके एक यूनिटी बनाने का प्रयास किया था। लेकिन होता क्या है कि जो हाल के दिनों में जिस प्रकार भारत के लोगों की प्रतिक्रिया आई और भारत ने वहां पर टूरिस्ट जाने कम हुए, इस बार आप देखें कहाँ तो भारत का सबसे अच्छे नंबर पे आता था, सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत के जाते थे, लेकिन इस बार हम देखें जो टूरिस्ट का ग्राफ है वो काफी कम, 40% उनका गिर गया था, 40%। और इस बात की चिंता वहां की सरकार को भी है, तभी बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत से जो सैलानी वहां पर आते थे उनमें अगर कमी आई है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर मालदीव का है वही सबसे बड़ा
सेक्टर है और उससे ही कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करती है। बिल्कुल, तो हुआ ये कि आपका जयशंकर जब विजिट करने जाते हैं कहीं समझौते होते हैं, फिर मोइजू साहब भारत आते हैं, फिर बहुत सारे समझौते होते हैं। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं मालदीव गवर्नमेंट ये रिस्क लेने से बच रही है कि हमें ऐसा रिस्क ना हो कि हमारे टूरिज्म सेक्टर को और ज़्यादा क्या हो, डेंट पहुंचे। और एक बड़ा पहलू क्या है कि पिछले कुछ समय से आप देखेंगे, 2015 के बाद से आप देखेंगे, तो जो ये रेडिकल ग्रुप्स इस प्रकार के हैं, चाहे वो ISIS हो, तालिबान हो, अलकायदा हो, इन सब ने कोशिश की है कि दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया जाए। इन्होंने श्रीलंका को भी टारगेट किया, वहाँ पर दाल नहीं गली। हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर तो खैर आपका जैश ए मोहम्मद जैसे आपके संगठन हैं, हम वहाँ पर देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से हमारी बातचीत करने का एक बड़े रीजन ये भी है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ISIS जैसे संगठन वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ना बन पाए। अगर वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इंडिया को हिट करते हैं। तालिबान का हिट करने का कारण कम बनता है तो यही बात, जब वो श्रीलंका को टारगेट कर सकते हैं तो टारगेट वो आपका मालदीव को भी कर सकते हैं, मालदीव को अपना अड्डा बना सकते हैं। और आप जानते हैं मालदीव जो है कोई एक लैंड नहीं है, मालदीव कई सारे द्वीपों की क्या है, एक माला है। करीब 1200 आइलैंड हैं मालदीव के अंदर, और मालदीव नाम भी इसलिए पड़ा है कि द्वीपों की माला। अब 1200 आइलैंड पर किसी भी आइलैंड पर जाकर बैठ जाए, वहां से अपने एक्टिविटी को चला सकते हैं। मालदीव के पास में तो अपनी फोर्स तक नहीं है, हमारे ही सोल्जर जाके वहां पे सिक्योरिटी के थे। जब वहां पर 1988 में देखे तो करीब आपके 80 मिलिटेंट्स थे जो आपके श्रीलंका से पलटो संगठन से जुड़े हुए, वो आके वहां तक पलट करने की बात करने लगे थे। वहां पर आकर उन्होंने कब्जा कर लिया, तो भारतीय फोर्सेज वहां पर गई और जाके ऑपरेशन काकस हमने चलाया और हम छुड़ा कर लाए, वहां के प्रेसिडेंट को हमने सिक्योर किया। तो एक ऐसा देश जो मिलिटेंसी से दूर रहना चाहता है, टूरिज्म पर अपना क्या करता है, फोकस करता है और अपनी इमेज को लेकर। और देखिए टूरिस्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इमेज का सारा मामला होता है। इमेज खराब होगी, इराक में आज कोई टूरिस्ट नहीं है, जबकि इराक एक पुरानी सिविलाइजेशन की जगह है, मेसोपोटामिया वगैरह यहाँ पर डेवलप हुई, लेकिन इराक कोई जाना पसंद नहीं करता है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर आप टूरिस्ट का हब बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मिलिटेंसी के कारण वो वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाते। चाहे किसी भी अफ्रीकन नेशंस की बात करें, अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, बड़े सुंदर सुंदर देश हैं, लेकिन मिलिटेंसी के कारण वहाँ पर लोग विजिट करने जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि मालदीव का जो स्टेप है उस संदर्भ में आप इसको देखें तो ज़्यादा मैं समझता हूँ उचित होगा। बिल्कुल, और यानी कि तालिबानी हाई कमिश्नर से मुलाकात करना कहीं ना कहीं इसलिए ही सबसे बड़ा चिंता का विषय मालदीव के लिए और वहां की सरकार के बन गया कि टूरिज्म पे जो पहले ही चोट लगी हुई है उस पर और ज़्यादा चोट जो है, उस पर और ज़्यादा डेंट जो है वो ना लग जाए और कहीं ना कहीं जो इमेज है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। ये एक सही बात है। हालांकि लेकिन क्या तालिबान के रिश्ते, माफ़ कीजिए, मालदीव के जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे हैं या फिर अच्छे होने की कोशिश? बिल्कुल सही बात है। देखिए मोइजू का जैसे मैंने कहा ना कि जैसे आपका एक मलेशिया है, टर्की है, पाकिस्तान है, मोइजू साहब जो है, इन लोगों ने एक ग्रुप बनाने का प्रयास किया था कि हम एक ग्रुप बनाएंगे जो इस्लाम फोबिया की बात करेगा, वर्ल्ड में क्या करेगा, अपने एक दबदबे को बनाने का प्रयास करेगा। उस तरह के प्रयास के क्रम में हम देखते हैं पाकिस्तान से काफ़ी सैलानी भी जाते हैं मालदीव विजिट करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि मालदीव की जो पॉलिटिक्स रही है वो हाँ थोड़ा उलट पलट वाली रही है। जैसे हम देखें वहाँ पर जब नशीद हुआ करते थे तो नशीद एकदम प्रो इंडिया थे, पाकिस्तान से रिलेशन कोई खास रिलेशन नहीं थे। फिर हम यामीन की बात करते हैं तो जब चीन के साथ यामीन ने अच्छे संबंध बनाए तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए। फिर आपका मोहम्मद सोली आए, मोहम्मद साली आप सोली जो थे वो प्रो इंडिया थे, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन थे, पाकिस्तान से संबंध कुछ भी बेटर नहीं थे। तो आप उसी संदर्भ में देखें, अभी जो मोइजू साहब हैं, मोइजू साहब ने शुरुआत में मैसेज ये दिया कि वो एक इस्लामिक यूनिटी की बात करेंगे और पाकिस्तान उसमें एक बहुत ही मेन प्लेयर हो जाता है। उसके दो रीजन हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पाकिस्तान की लोकेशन जो है पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है, क्योंकि वो एक चौराहे पर मैं इसको मानता हूँ। आप देखिए पाकिस्तान में जो बैठा होगा वो इजीली जा सकता है सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया, और साथ ही आपका अरब सी में आपके बैठ सकता है। एक तो ये, और दूसरा पाकिस्तानी पूरी इस्लामिक बोलने वाली कंट्री है जिसके पास में एटम वेपन है। ईरान नजदीक है लेकिन अभी उसने एटॉमिक वेपन बनाया नहीं, घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान सो कोल्ड क्या है आपका एटॉमिक वेपन कंट्री है। तो ऐसे कंट्री के साथ संबंध बनाना हर कोई चाहेगा, लेकिन जिस प्रकार का मिलिटेंसी पाकिस्तान में है, मोइजू साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान से जिस प्रकार का हाल के दिनों में उनका एटीट्यूड चेंज हुआ है कि भारत से हमको रिश्ते अच्छे करने हैं,
तो ये नेचुरल बात है कि वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के नज़दीकी संबंध बनाना पसंद नहीं करेंगे। तो मैं इसको इतना बड़ा इशू मान नहीं रहा, और मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं मौजूदा गवर्नमेंट ने अपनी इमेज को डेंट होने से बचाने के लिए पहले ही प्री आपका स्टेप ले ली, ताकि इसका इश्यूज कल को आपका इश्यू ना बन पाए। अब वो फूक फूक कर वैसे ही कदम रख रहे हैं, क्योंकि जब वो सरकार में आए और सरकार से आने से पहले मोइजू ने कई बयान दिए भारत के खिलाफ, वहाँ की सेना, वहाँ से सेना को जाने के लिए कह दिया था, और इस पर अड़े रहे कि मैं भारतीय सेना को यहाँ से हटाऊंगा और वापस जो है वो भारत भेजूंगा। उसके बाद उनको जब समझ आया कि यहाँ तो ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, भारी गलती हो गई मुझसे, और फिर उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर जो एक्शन लिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें की थी उन पर एक्शन लिया, उनको हटाया, और भारत भी वो आए, अभी भी आधिकारिक तौर पर भारत आए थे तो मुलाकात उन्होंने की थी, उनको समझ आ गया है कि भारत से रिश्ते खराब करना या फिर भारत की तरफ गलत तरह से देखना वो उनकी इकोनॉमी के लिए वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर इकोनॉमी खराब होती है तो आने वाले दिनों में कुर्सी तो किसी की रहती ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे जुड़ने के लिए और तमाम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर ये मुलाकात जो हुई है इस्लामाबाद में उसका क्या मतलब था, क्या मायने थे। बहुत बहुत धन्यवाद।